नहीं खाऊंगा मैं बिल्कुल भी। क्यों नहीं खाएगा बेटा? पहले उस जेलर मैडम से मेरी शादी कराओ तभी खाऊंगा। अच्छा घर सिलेक्ट। अरे ये क्या हो रहा है? दिखाई नहीं देता है कि हम लोग खाना खा रहे हैं? अरे तुम्हारी जात का बैदा मारूं, ऐसे खाना खाया जाता है क्या? भगवान को भी तुम लोगों को खाते देखकर शर्म आ रही होगी। चुप रहे। डैडी साइड डिश के लिए मटन चॉप चाहिए, ऐसा इस वॉचमैन को बोलो ना डैडी। बोलता हूँ बेटा। क्या चाहिए बेटा? मटन चॉप। साइड डिश का मटन चॉप खाएगा? अबे भैंसे। भैया को मटन चॉप चाहिए तो मंगवा नहीं सकता क्या? क्या रे, मटन मसाला कितने का आता है? बिल कितना आएगा पता है? 100 रुपीज। 100 रुपीज? यस। मैं 80 किलो का हूँ। 80 × 100। डैडी मेरी कीमत 8000 रुपये है। अरे मैंने कहा था बकरे के मटन का ये रेट है, भैंसे के मटन का नहीं। अरे हम तो तुम्हारे मेहमान हैं। क्या रे, चावल ठीक से पक गया ना? हाँ सर। भाई आज स्पेशल क्या है? स्पेशल क्या मिलेगा बे, हर दिन दाल चावल तो मिलता है। चखने में क्या मिलेगा? चखने के लिए क्या, देसी मुर्गी जैसी सुपर आइटम। दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई, दिखाओ ना भाई प्लीज। देख के क्या करेगा, हिला कर रख दूंगा, मजा आ जाएगा। क्या रे ये क्या, क्या है ये? हरामखोर। इस भैरव के मुंह मत लगना, समझा? ए मैं तुझे देख लूंगा। तू मेरा क्या कर लेगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? तेरे जैसे बहुत देखे मैंने। जो पढ़ना पड़े चल। तू क्या इसे बचाने आया है? मैडम आ गई। क्या चल रहा है यहाँ? हाँ? दूसरी बार खाना मांगा मैडम, नहीं दिया तो झगड़ा करने लगा। मुझे लगता था सिर्फ तेरी जबान चलती है, लेकिन तू तो गुंडागिरी भी करता है। दोबारा ऐसी हरकत की ना तो तुझे छोड़ूंगी नहीं। गणेश, तुमने मुझे सच कहने से रोका क्यों? क्या सच बताता कि नंगी फोटो पर तुम्हारा चेहरा चिपका है? मैं अपने किस लक्ष्य के लिए जेल में आया हूं तुम भूल गए हो क्या? किसी भी कारण से मैं कानून की नजर में नहीं आना चाहता। बी केयरफुल। ओके। अगर मेरा अनुमान सही है तो आज हेल्थ मिनिस्टर पर जुडिशियल इंक्वायरी शुरू हो गई होगी। हेल्थ मिनिस्टर संभाषिव राव पर रिटायर्ड जज डीआर नायडू की अदालत में सरकार ने न्याय विचारण की कमेटी की तैयारी की है। आरोग्य शाखा में हुई हत्याओं के बारे में, 25 करोड़ की दवाइयों की हेरा फेरी के बारे में ये कमेटी विचार करेगी। जज साहब डीआर नायडू ने इस बारे में बात करते हुए कहा है कि दोषी को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। अब क्या करना है भाई? मैटर बहुत सीरियस है जी, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तक वो 10 मिनिस्टर को उड़ा चुका है, आपको मिलाकर 11 हो जाएंगे। बकवास बंद करो। ऐसे कमीशन एमपी बनने से पहले इतने बार देख चुका हूं, लेकिन वो कौन है? कौन है वो? शेर की तरह जीने वाले को बंदर की तरह नचा रहा है। ये क्या भाई, ये तो हमेशा किचन में पकाता ही रहता है। ये पकाता अच्छा है इसलिए बेटा। पर ये तो औरतों का काम है ना भाई। हाँ तो ये भी 1/2 है ना बेटा। तो फिर जेलर मैडम का सर नंगी फोटो पर लगाने से इसको इतना गुस्सा क्यों आया? इसकी बहन लगती है क्या? इसकी बहन होती तो मेरे साथ जरूर सोने को भेजता। चल रहा है? हाँ? आपको कंप्लेंट की ना, इसलिए मुझे मार रहा है मैडम। गार्ड्स, इसे ले जाकर तहखाने में डाल दो। हाय, आई एम मस्तान। क्यों बे, तू मुझे इस तरह से क्यों घूर रहा है? तुझे लग रहा होगा मुझे कहीं देखा है ना? जरूर देखा होगा। इस देश में जितने भी न्यूज़पेपर हैं उन सब में मेरी फोटो छपती रहती है। 4000 लोगों को मुंबई में, 2000 लोगों को कोयंबटूर में मैंने अकेले ही बॉम्ब ब्लास्ट में उड़ा दिया। इसी हाथ से ठीक है, मेरे बारे में छोड़, पर तू यहां क्या कर रहा है? क्यों बताना नहीं चाहता?
ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं तुझे एक बात बता दूं, मुझे अंधेरा बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसी हरकत करने वाला भैरव है मैडम, इसी बात को लेकर भैरव और गणेश के बीच झगड़ा हुआ। किचन में भी भैरव ने लफड़ा किया था। इतना गलत करके भी भैरव गवर्नमेंट की मुफ्त की रोटी तोड़ रहा है और एक तरफ वो शरीफ गणेश सजा काट रहा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सारे कैदियों के सामने आपकी तस्वीर न दिखाने के लिए गणेश ने ही मुझे मना किया था। वो मर्डर या रेप करके जेल नहीं आया, आत्महत्या के अपराध में जेल आया है। ये रही उसकी फाइल। इन दोनों को तहखाने में डाल दो और गणेश को रिलीज करो। सॉरी मैंने जल्दबाजी की, लेकिन बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? हाथ की रेखा देखकर पता करूं क्या? मार खाते वक्त भी चुपचाप खड़े थे, अब तो बात कर सकते हो ना? क्या बात करूं मैं, आईपीएस पढ़कर आप किसी को भी अंदर कर सकती है। पनिशमेंट तो मिल गया, थैंक यू। देखो कैसे मेरी नाव चल पड़ी। आईपीएस पढ़कर आप किसी को भी अंदर कर सकती है। पनिशमेंट तो मिल गया, थैंक यू। आंटी आंटी, ये बेवजह मुझ पे पानी डाल रहा था और मुझे बेवजह मार भी रहा था। आंटी बबलू ने कोई गलती नहीं की, फिर भी मोहन उसे मार रहा है, आप ही उसे पनिशमेंट दीजिए ना। वेट ए मिनट, इसे पनिशमेंट मैं दूंगी। इस देश में कोई भी इंक्वायरी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, सब बिक जाएंगे कहा था ना, अब क्या हुआ उल्टा होने लगा। अब आप जेल में जाकर आराम से सो जाइए। आप इस तरह खामोश क्यों बैठे हैं? उस डीआर नायडू ने आपकी सारी करतूत सबूत के साथ रिपोर्ट में लिखा दी, अब परिस्थितियां काबू में नहीं है। सच कह रहा भाई, उसने अगर ये साबित कर दिया तो कुर्सी तो जाएगी, 5 साल की हमें सजा भी होगी। छोटे, अगर वो जिंदा रहेगा तभी साबित कर पाएगा ना। सांबाशिव है मेरा नाम, तीसरी आँख खोल दूं तो कोई भी भस्म हो जाएगा। 15 तारीख को मैं स्वतंत्रता दिवस के फंक्शन में डीआर नायडू को चीफ गेस्ट बनाऊंगा। उसी फंक्शन में बम ब्लास्ट होगा और उसकी मौत की जिम्मेदारी हम पर ना आए इसीलिए मैं भी उस फंक्शन में मौजूद रहूंगा। बम ब्लास्ट होने के 10 मिनट पहले हम सबके सब खिसक जाएंगे ताकि सारा इल्जाम उग्रवादियों पर लग जाए, समझे? साहब जी, वो छोटे बच्चों का फंक्शन है, उस नायडू को मारने के लिए बम रखकर बच्चों को मारेंगे तो पाप लगेगा। तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा, पाप धुल जाएंगे। उस ब्लास्ट में देखना हजारों बच्चे मारे जाएंगे, 5,000 से ज्यादा बच्चे घायल हो जाएंगे और उन सब के सब को जनरल हॉस्पिटल में लाके भर्ती करेंगे। हजार बच्चों की मौत का मतलब 2,000 आंखें, 1,000 किडनी, समझा? मार्केट में इसकी कितनी डिमांड है, 1.5 दिमाग वाले तुझे क्या पता। आइडिया तो अच्छा है लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट करेगा कौन? मस्तान। Oh!
कैसा है ये? अभी होश में नहीं आया। मैं डीआईजी को फोन करके इन्फॉर्मेशन देती हूँ, इसे सीधे आईसीयू रूम में ले जाइए। ओके मैडम। कार्ड्स? यस मैडम। बी केयरफुल। ओके।